Hi guys, I'm back with my new video and this video is on citizenship part 2. इसके पहले वीडियो में हमने citizenship part 1 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कवर किया था article 5 to 11. इसमें हम कवर करेंगे citizenship act 1955 and it is very important to know. So let's get started. इसमें हम जानते हैं कि citizenship act क्या कहता है, कि इसमें क्या बताया गया है. Citizenship Act 1955 speaks about the citizenship of India after the commencement of the Constitution. मतलब Constitution के commence होने के बाद, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि जो Indian Constitution Article 5 to 11 है, वो Constitution के समय, मतलब जब commence हुआ था Constitution, उस समय के बारे में बात करता है. और हमारा Citizenship Act कमेंस होने के बाद के बारे में बात करता है. सो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या है? सो जस्ट आई एम रीडिंग इट एंड जस्ट पे अटेंशन ऑन इट. ओके, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे एक्विजिशन के बारे में बताता है और लॉस ऑफ सिटीजनशिप कि इंसान की सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, उसके बारे में बात करता है. चलिए देखते हैं आगे. दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड सो फार 8 टाइम्स बाय द फॉलोइंग एक्ट. तो ये 8 बार इसमें बदलाव लाए जा चुके हैं. वो कौन कौन से बदलाव हैं, अब देखते हैं. फर्स्ट इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957. पहला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957. दूसरा क्या है, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1960. थर्ड वन इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985. फोर्थ इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986. फिफ्थ इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992. सिक्स्थ इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003. The seventh one is the Citizenship Amendment Act 2005. And the last and the eighth one is the Citizenship Amendment Act 2015. हमने जिन 8 amendments के बारे में बात किया था, उनमें से कुछ important amendment के बारे में हम इसमें discuss करेंगे. तो सबसे पहले important amendment act है 1986 का, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप इंडिया में born हो गए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन सिटीज़न ही कहलाएंगे. 1986 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आपके पेरेंट्स को भी इंडियन होना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इंडियन कहलाएंगे. क्योंकि 1986 के पहले तक ये प्रोविज़न था कि आप अगर इंडिया में बॉर्न हो गए हैं तो आप इंडियन कहलाएंगे. नाउ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का. तो ये एक्ट क्या कहता है कि 1992 के पहले तक अगर आपके पिता इंडियन है तो आप इंडियन सिटीजनशिप के हकदार हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी नहीं आ पा रही थी. ओके, ममा का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं था, यानी आपकी माँ इंडियन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं था. अब इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जेंडर इक्वालिटी आ सके. सो ये एक्ट कहता है कि आपकी या तो पिता का इंडियन होना इम्पोर्टेंट है या मदर का इंडियन होना इम्पोर्टेंट है, तो आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे. थर्ड इज अमेंडमेंट एक्ट 2003. ये इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात करता है. ये उनके बारे में बात करता है जिनके पास ना तो पासपोर्ट है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, और एक जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आके सेटल हो गए हैं, तो ये उनके लिए है. ये अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है वो ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में बात करता है कि जिनके माता पिता इंडियन ओरिजिन के हैं बट उनके बच्चे बाहर पैदा हुए हैं. तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और एक और अमेंडमेंट आया है, 8 अमेंडमेंट्स हो चुके थे, एक और अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है कैप 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019. तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो अगर हम इस समराइज वे में देखें या इस इमेज को देखें, तो सिटीजनशिप दो उसमें बटा हुआ है,
फर्स्ट इज एक्विजिशन, सेकेंड इज लॉस, लॉस या टर्मिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं। एक्विजिशन का मतलब है कि हम सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब इसकी क्या प्रोसीजर्स हैं या फिर हमारी कैसे राइट्स है कि हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। लॉस मीन्स हम इसे कैसे खो सकते हैं या कैसे हमारे सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा कि उसे दो भागों में डिवाइड करके रखा है, एक्विजिशन एंड लॉस। अब हम एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप हमें कैसे मिलती है। इट प्रिस्क्राइब्स फाइव वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, तो इसमें पांच तरीके हैं एक्वायर करने के, पांच तरीके। एक्वायर मीन्स हासिल करना। फर्स्ट इज बाय बर्थ, जन्म से। सेकेंड इज बाय डिसेंट, डिसेंट यानी डिसेंडेंट या हमारे जो पूर्वज है उन के थ्रू भी हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे दादा दादी या फिर हमारे मम्मी पापा कोई भी अगर इंडियन ओरिजिन के हैं तो उसके थ्रू हम हासिल कर सकते हैं। थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये सारे पांच पॉइंट हैं या कह सकते हैं हमारे पांच वेज हैं सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए। फर्स्ट बाय बर्थ, सेकेंड बाय डिसेंट, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नाउ गाइज लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्विजिशन, कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सिटीजनशिप बाय बर्थ। सो सिटीजनशिप बाय बर्थ किसके अंडर आता है, अब हम ये देखते हैं। इट कम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसे सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब इस सेक्शन में क्या क्या है हम ये देखते हैं। इन दिस सेक्शन थ्री टाइम लाइन्स हैज बीन मेंशन, दे आर। तो इसमें तीन टाइम लाइन मतलब तीन तारीखें मेंशन की गई हैं। टाइम लाइन को हम कह सकते हैं पीरियड या टाइम पीरियड या फिर ड्यूरेशन, ठीक है। द फर्स्ट इज अ पर्सन बॉर्न ऑन आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर जुलाई 1, 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, इज रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो जो इंसान या तो जनवरी 26, 1950 या उसके बाद या जुलाई 1, 1987 के पहले पैदा हुआ है तो वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय बर्थ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द पेरेंट्स। चाहे उनकी पेरेंट्स की नेशनैलिटी कोई भी हो, अगर वो इंडिया में यहाँ बॉर्न हुआ है। और टाइमलाइन क्या है, ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर जुलाई 1, 1987 तो वो क्या है, इंडियन सिटीजनशिप का हकदार है, ठीक है। तो टाइमलाइन इज इम्पॉर्टेंट, इसमें पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती है। सो गाइस नाउ सेकेंड पॉइंट इज अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987 इज कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें कुछ कमियां थी, तो अमेंडमेंट्स लाए गए, ठीक है। और अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या डिसाइड हुआ कि अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, अगर कोई इंसान इंडिया में बॉर्न हो जन्म लिया है, डेट देखिए क्या है, जुलाई 1, 1987 ऑन और आफ्टर, यानी जुलाई 1, 1987 में या उसके बाद, इज कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे सिटीजन ऑफ इंडिया तभी कंसिडर किया जाएगा इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी भी आ जाती है, मीन्स या तो माता या तो पिता दोनों में से किसी एक का इंडियन होना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो क्या कहलाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ओके नाउ मूव टूवर्ड्स थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज अ पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004 आर कंसिडर्ड सिटीजन ओनली ऑफ India only if both of their parents are citizen of India or one of them and other is not an illegal migrant at the time of birth. अब क्या हुआ था कि इसमें भी काफी कमियां पाई गई, मतलब either of his parents भी अगर consider किया तो अगर एक Indian है, ठीक है, और दूसरा जो parents है वो
इलीगल माइग्रेंट है, मतलब कहीं बाहर से आया है, तो इसमें कुछ कमियां पाई गई सेकंड पॉइंट में, तो फिर अमेंडमेंट लाया गया। और फिर क्या डिसाइड किया गया कि अ पर्सन बॉर्न और आफ ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004, अगर वो दिसंबर 3, 2004 या उसके बाद पैदा हो रहा है तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर तभी किया जाएगा इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर माता पिता दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया है और वन ऑफ देम या फिर उनमें से कोई एक भी, बट जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब उस बच्चे के जन्म के दौरान। नाउ अ सेकेंड वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट क्या कह रहा है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट जो एक्सप्लेन किया गया है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 4 में एक्सप्लेन किया गया है। और सेक्शन 4 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है इफ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर पैदा हुआ है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहला सकता है। अब वो कैसे कहला सकता है, चलिए देखते हैं। इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइमलाइंस एंड दे आर, देखिए, अ चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हुआ है तो टाइमलाइन क्या है, बिटवीन 26/1/1950 एंड 9/12/1992, मीन जनवरी 26/1950 में एंड दिसंबर 9/1992 के बीच में अगर वो पैदा हुआ है, देन ही और शी विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब डिसेंडेंट की वजह से, डिसेंडेंट यानी माता पिता दादा दादी। If the father of a child was an Indian citizen by birth at the time of the birth of the child, या तो पिता का इंडियन होना इम्पोर्टेंट है और जो पिता है वो कहाँ पैदा हुआ है, वो इंडिया में पैदा हुआ है, तभी उनका पुत्र या उनकी बेटी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, राइट। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है ये देखते हैं। इन केस द फादर ऑफ अ चाइल्ड वॉज एन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, द चाइल्ड शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अब क्या है, अगर जो पिता है वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं, वो बाहर पैदा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सिटीजन बाय डिसेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो उस कंडीशन में जो चाइल्ड है उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं मिल सकती, क्योंकि पिता ऑलरेडी सिटीजनशिप बाय डिसेंट का फायदा उठा रहा है, तो वो चीज़ चाइल्ड को नहीं मिल सकती। अनलेस द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज रजिस्टर्ड विद कंसर्न इंडियन मिशन अब्रॉड विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ, जब तक कि चाइल्ड रजिस्टर्ड नहीं होता है इंडियन मिशन में जो अब्रॉड में प्रेजेंट है, 1 साल के अंतर्गत। Now the second timeline in citizenship by descent is a child born outside India. अब इसमें भी वही सेम कंडीशन है, अगर child इंडिया के बाहर पैदा हुआ है। अब इसमें timeline क्या decide है, between December 10, 1992 and December 2, 2004. Timeline is important guys in this act, okay? So just note down this timeline. So, a child born outside India between December 1992 and December 2, 2004 shall be a citizen of India by descent. वो citizen of India कहलाएगा by descent if either of the parents, either of the parents means या तो माता या तो पिता, was an Indian citizen by birth at the time of birth of the child. Okay. तो क्या होगा, अगर माता या पिता इंडियन है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा। एक्चुअली इन द प्रीवियस पॉइंट इट वाज ओनली मेंशन कि जो प्रीवियस टाइमलाइन थी उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि सिर्फ फादर का इंडियन होना इम्पोर्टेंट है, तो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हुई तो कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए होंगे और फिर टाइमलाइन डिसाइड की गई, तो यहाँ पे माता पिता दोनों को जोड़ा गया, या तो माता या तो पिता, दोनों में से किसी एक का इंडियन होना इम्पोर्टेंट है, तभी बच्चा इंडियन सिटीजनशिप के का हकदार होगा। ओके, एक्सेप्शन क्या है इस केस में, इन केस ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ
child was an Indian citizen by descent at the time of the birth of the child. Ya to mata ya to pita. Agar already Indian citizenship by descent ka fayda utha rahe hain at the time of the birth of the child shall not be citizen of India by birth. Tab wo child citizen of India nahi kehlayega. Unless तब तक नहीं कहलाएगा जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाता है. वो कहाँ नहीं रजिस्टर होता है? इंडियन मिशन अब्रॉड में. ठीक है, अगर चाइल्ड विद इन वन ईयर इंडियन मिशन अब्रॉड में रजिस्टर नहीं होता है तो उसे ये राइट्स नहीं मिलेंगे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए. अगर विद इन वन ईयर वो रजिस्टर हो जाता है इंडियन मिशन अब्रॉड में तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा. Now, a third point is a child born outside India. Similar thing. ठीक है, बाहर पैदा हुआ है. अब इसमें timeline बस change हो जाती है on और after. ठीक है, on यानी 3 December 2004 और 3 December 2004 के बाद अगर वो हुआ है. Shall be a citizen of India by descent. शेल भी मतलब उसे सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट का वो फायदा उठा सकता है या फिर उसे उसका लाभ मिल सकता है. इफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स मींस या तो माता या तो पिता इज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ मींस पेरेंट्स का इंडियन सिटीजन होना या तो माता का या तो पिता का इंडियन सिटीजन होना इम्पोर्टेंट है. एंड द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैज बीन रजिस्टर्ड विद द कंसर्न इंडियन मिशन अब्रॉड within 1 year of the birth. ठीक है, तो अब जो child है उसका registration important है Indian mission abroad में within 1 year of the birth. And the parents of the child have to submit a declaration. और जो parents है child के उनको ये declaration submit करना पड़ेगा कि the child does not hold passport of another country. कि वो जो child है वो किसी और देश का passport hold नहीं कर रहा है. Approval of the central government is necessary in all such cases. और इसमें central government का approval बहुत important है ऐसे cases में. Where the request for such registration is made after the expiry of the said period. So, now a third way of acquiring citizenship is citizenship by registration. और citizenship by registration section 5 में define है. सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन. तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि ओवरसीज सिटीजन हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं, मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO हैं. तो उन पर्सन का रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years मतलब 7 साल तक रेसिडेंट होना इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के पहले से. मतलब जब वो अप्लाई करे उसके 7 साल पहले से उन्हें भारत में रहना इम्पॉर्टेंट है. नाउ अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन है. इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है या तो उसके माता पिता या तो उसके दादा दादी इंडिया में पैदा हुए हों और वो कहाँ रह रहा है अभी, उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया. जब बंटवारा नहीं हुआ था तब भी वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के हकदार हैं. सेकेंड पॉइंट इज अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन. तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नहीं है बट उसने शादी किससे करी है, इंडियन सिटीजन से करी है और वो रह रहा है 7 साल से कहाँ, भारत में रह रहा है. बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के दिन, जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उसके 7 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा है. थर्ड पॉइंट इज माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया. माइनर चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे जो इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, बाहर पैदा हुए हैं बट उनके पेरेंट्स का है सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उन्हें भी ये राइट का हक है कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना हक हासिल कर सकते हैं एज एन इंडियन. Now my fourth point is person of full age and capacity whose parents are registered as citizen of India. मतलब person of full age मतलब एक legal age और उसके हक में है कि वो citizenship हासिल कर सकता है. Whose parents are registered अगर उसके parents registered हैं as citizen of India के में,
उसमें दो पॉइंट्स में उसे क्लासिफाई किया गया है। पेरेंट्स वर अर्लियर सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया, जो पेरेंट्स थे वो पहले से सिटीजन थे फ्री इंडिया के, एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ। एंड वो क्या कर रहे हैं, रेसिडेंट हैं 12 मंथ से इंडिया में, लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट के 12 महीने पहले से उनको इंडिया में रहना इम्पोर्टेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अ पर्सन हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन। अब उन लोगों की बात कर रही है हो रही है जो कि ओवरसीज सिटीजन हैं ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स, मतलब जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्ड कर रहे हैं 5 साल से। ओके, अब उन लोगों की बात हो रही है। एंड हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, जो कि अब 12 महीने से कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं रजिस्ट्रेशन की डेट से। दिस इज इम्पोर्टेंट कि रजिस्ट्रेशन की डेट से 12 महीने पहले से वो इंडिया में रह रहे हैं, तो उन्हें इस राइट का हक है। नाउ आवर फोर्थ वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज इट्स नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो सेक्शन 6 में डिफाइन है। अब ये क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। या तो उसे सब्जेक्ट या सिटीजन ऑफ एनी कंट्री नहीं होना चाहिए। वे सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन, जहाँ पे इंडियंस को ये रोक लगाई जाए कि वो सिटीजनशिप हासिल कर सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही हैज रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अगर वो किसी कंट्री का सिटीजनशिप लिया हुआ है तो उसे रिनाउंस करना पड़ेगा। रिनाउंस मतलब छोड़ना पड़ेगा उस कंट्री का सिटीजनशिप टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। नाउ थर्ड पॉइंट इज ही हैज ईदर रिसाइडेड इन इंडिया, या तो वो इंडिया में रहा हो और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा हो, या पार्टली भी हो सकता है। पार्टली मीन्स 6 महीने वो इंडिया में रहा हो और 6 महीने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा हो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ। थ्रू आउट मीन्स लगातार, द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जिस दिन उसने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, मीन्स कि वो सिटीजन ऑफ शिप ऑफ इंडिया हासिल कर सके, उस दिन के 12 महीने पहले से उसे या तो इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा, या तो 12 महीने उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करना पड़ेगा, या पार्टली। पार्टली मीन्स या तो वो 6 महीने इंडिया में रह सकता है और 6 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर सकता है। आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, लेट्स सी इट। ड्यूरिंग द 12 ईयर्स इमिडिएटली प्रिसीडिंग द सेट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही हैज ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टी द वन एंड पार्टी द अदर ऑफ पीरियड अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 9 ईयर्स। तो अब ये क्या कह रहा है, या तो 12 महीने तक वो इंडिया में रहे प्रिसीडिंग द सेट पीरियड, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है उसके 12 महीने पहले से वो क्या कर रहा हो, इंडिया में रह रहा हो। द सेट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही वॉज आइदर रिसाइड ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, या तो वो इंडिया में रहा हो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा हो, या पार्टली दोनों पॉसिबल है। वो 6 महीने इंडिया में रहा हो और 6 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा हो। फॉर पीरियड अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 9 ईयर्स, तो पीरियड 9 महीने से कम नहीं होना चाहिए। 9 महीने से ज़्यादा चलेगा, 9 महीने से कम नहीं होना चाहिए, वरना उसे ये चीज़ अलाउ नहीं किया जाएगा कि उन्हें उसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। सो ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ही हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज कॉमन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ अनदर पॉइंट, इफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम ही इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया। अगर सर्टिफिकेशन उसे ग्रांट किया जाता है, मतलब दिया जाता है, तो उसे इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा और टू एंटर इन टू और कंटिन्यू इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या तो उसे आना पड़ेगा या कंटिन्यू करना पड़ेगा सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और विच ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर।
जिसका इंडिया मेंबर है और अंडर अ सोसाइटी कंपनी और बॉडी और पर्सन एस्टैब्लिश इन इंडिया। दिस वन केस इन फॉर अ पर्सन हु हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन द फॉलोइंग फील्ड। अगर उसने देश को कोई योगदान दिया है किन किन फील्ड्स में, चलिए देखते हैं। साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में, तब भी वो इसे हासिल कर सकता है, मतलब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हासिल कर सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है शामिल कर लेना किसी टेरिटरी को एक देश में, तो सेक्शन 7 में ये डिफाइन है। सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के में सिटीजनशिप कैसे हासिल की जाती है इसको डिफाइन किया गया है। सो इट सेज इफ एनी टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया द पर्सन हु शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया by reason of the connection with that territory and those persons shall be citizen of India as from the date to be specified in the order. तो हम example लेते हैं पांडिचेरी का। पांडिचेरी जब इंडिया में include हुआ था तो central government ने ये decide किया था कि किस इंसान किस citizen को उनको citizenship का right है और किन को नहीं है, तो ये central government के through decide किया जाता है by its rules and regulations. सो सिटीजनशिप कैसे हम खो सकते हैं, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, थ्री पॉइंट्स आर मेंशन हियर, दैट इज फर्स्ट बाय रेनाउंसिएशन, सेकेंड इज बाय टर्मिनेशन एंड थर्ड बाय डेप्रिवेशन। फर्स्ट पॉइंट बाय रेनाउंसिएशन, रेनाउंसिएशन का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज को, बिल्कुल एकदम तरीके से त्याग देना मतलब छोड़ देना। तो सेक्शन 8 में रेनाउंसिएशन डिफाइन है, सेक्शन 8 में डिफाइंस रेनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। So, the person has to declare that a person after acquiring citizenship of another country gave up his Indian citizenship. तो अगर किसी person ने declare कर दिया है कि उसने citizenship acquire कर ली है किसी और country की, उसे give up करना पड़ता है Indian citizenship को। Now, second point is by termination. Termination का मतलब है खत्म कर देना। It's an voluntary act. सेक्शन 9 में डिफाइन है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सो इट सेज एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन हिज और हर सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीजेस, मतलब अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो ऑटोमेटिकली ही आपकी सिटीजनशिप सीज कर दी जाती है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज डेप्रिवेशन। जो डेप्रिवेशन है वो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। डेप्रिवेशन का मतलब होता है कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा टर्मिनेट कर देना किसी की सिटीजनशिप को। अब उसके कुछ कारण होते हैं, फर्स्ट क्या है ये देखते हैं। सिटीजनशिप एक्वायर्ड बाय फ्रॉड, धोखाधड़ी से एक्वायर की गई सिटीजनशिप। सेकेंड इज सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। तो अब दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है और जिस देश का जो सिटीजन है उसने अनलॉफुली मतलब लीगली नहीं, लॉ के तहत नहीं, या तो ट्रेड किया है या तो कम्युनिकेट किया है, तब भी उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। फोर्थ इज सिटीजनशिप विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैज बीन इम्प्रिजेंट इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दिस सिटीजन हैज ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली। So guys, this was all about Citizenship Act 1955. So there were 8 amendments that we have discussed. And now in 2019, another amendment has been introduced. We will discuss it in later video. Before that, I want you to like, share and subscribe my YouTube channel, Legacy of Law. Thank you guys.